हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरके एस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी देखिए मेरे पास एक चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन है, चाइनीज़ फ़ोन। और इस फ़ोन का जो प्रॉब्लम है, इसका जो माइक्रोफोन है ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसका जो माइक्रोफोन है ये यहाँ पे अच्छा है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, इसका जो बोर्ड है, बोर्ड का जो कनेक्शन है उसमें से प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड चलिए इसको फाइंड आउट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फोन करके जो है एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने कॉल लगा दिया और अब इसको लाउडस्पीकर में डालते हैं। यहाँ पे देखिए फोन जो है, फोन यहाँ पे आ गया। हेलो 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 हेलो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी साउंड इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ये फोन जो है लाउड स्पीकर पे है। तो फ्रेंड मैं अभी इसको जो है डिसकनेक्ट करता हूँ। तो चलिए अभी इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक जो सप्लाई है माइक्रोफोन का, एक ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे में देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। ये पॉजिटिव सप्लाई, लेकिन इसमें रीडिंग आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। लेकिन इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो फ्रेंड। तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे देखिए, ये जो कुछ कॉम्पोनेंट है माइक्रोफोन का ठीक ऊपर में, इसमें से ये सप्लाई जाता है और यहाँ आके लास्ट रुक गया, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये तो ग्राउंड है। तो फ्रेंड इसके बाद इसका सप्लाई कहाँ पे जाता है उसको हमको फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्चुअली पॉजिटिव सप्लाई है उसका कनेक्शन यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पे रीडिंग क्या है देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं है, इसमें भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड इसका जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पे, इसका कनेक्शन जो है कटा हुआ है, जिसके वजह से माइक्रोफोन का साउंड वर्क नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए ये है पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे देखिए, और इसके आजू बाजू में ये देखिए ये है ग्राउंड। और ये जो एक सप्लाई है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस सप्लाई पे रीडिंग आ रहा है। तो फ्रेंड ये जो कनेक्शन है ये एक्चुअली ब्रेक है, ओके। और ये जो कनेक्शन है सीधा यहाँ पे देखिए ऊपर एक कनेक्शन है, इसमें आता है। और इसका सप्लाई भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड ये रीडिंग आ रहा है। तो फ्रेंड अभी हमको करना क्या है, मेनली इस पॉजिटिव में ये पॉजिटिव का जो सप्लाई है इसमें कनेक्शन को देना है। तो फ्रेंड हमको पता चल गया कि इसका जो कनेक्शन है ऊपर, देखिए ये जो एरिया है ये माइक्रोफोन का एरिया है। तो इसमें से कुछ कॉम्पोनेंट जो है यहाँ पे रजिस्टर और ये जो फिल्टरिंग कैपेसिटर दिया हुआ रहता है छोटा छोटा, ओके फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए ये दो तीन रिमूव है, तो इसके वजह से इसका जो कनेक्शन है ये कट ऑफ है, ओके फ्रेंड। तो अभी जो करना है हमको इस कनेक्शन को जम्पर करना है, तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं यहाँ पे जम्पर कर लेता हूँ, उसके बाद इसका जो डायग्राम है मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड चलिए अभी ये जो जम्पर है, मैं जम्पर को यहाँ पे फटाफट से लगा के फिर इसका जो डायग्राम है मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड
अभी आप यहाँ पे देखिए जो जम्पर है मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव सप्लाई जिसमें रीडिंग आ रहा था वहाँ से लेके ये नीचे देखिए जो माइक्रोफोन का पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ तक मैंने जम्पर कर दिया। अभी मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने ऑलरेडी तो यहाँ पे जम्पर कर दिया, ठीक है। तो इसका रीडिंग को मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव सप्लाई है इसमें देखिए रीडिंग अभी आ गया, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव सप्लाई और ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है और यहाँ से सप्लाई इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट लगाया हुआ था ये यहाँ पे रिमूव है। कुछ यहाँ पे कैपेसिटर था और यहाँ पे रजिस्टर था, तो रिमूव होने के वजह से दिक्कत आ रहा था। अभी देखिए इस कनेक्शन से लेकर इस कनेक्शन तक जो पॉजिटिव सप्लाई का मैंने जम्पर कर दिया। और यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर है, देख सकते हो, उसके बाजू में जो पॉइंट है इसको मैंने जम्पर कर दिया, ठीक है। तो बराबर से अभी जो है कनेक्शन आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अभी मैं एक बार आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे कॉल करके देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ पे लाउड स्पीकर पे डाल देता हूँ फोन को। ये देखिए यहाँ पे फोन जो है वो आ गया, मैं रिसीव कर लेता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो फिर यहाँ पे आप सुन सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो आपके पास अगर कोई भी चाइनीज़ फ़ोन आए तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस प्रॉब्लम को जो है इजी सॉल्व कर सकते हो।